before coming to the topic, I would like to tell you a short story. So there is a house, and in that house lives a small sweet girl, Priya. And Priya has two friends. One is her pet animal fish, and other one is her teddy bear. But nowadays, she is not going outside for playing. Why? As we all know the reason, because of coronavirus. So she is enjoying with her family and friends at home. So students, I hope that you like the story. So did you learn anything from the story? Yes, we have learned many new words from the story. First one is a house, which is a name of a place. Okay, next we learned about Priya, who is a person. Next, we also came to know about fish, who is friend of Priya and which is an animal. And next, we came to know about a teddy bear, which is a toy. Now tell me, what are all these things? अब ये सारी चीजें क्या हैं? इनको कुछ ना कुछ नाम दिया गया है. ये सारी चीजें हैं nouns. Okay? So noun is a naming verb. आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं जिनको कुछ ना कुछ नाम दिया गया है, कुछ ना कुछ नेम अटैच किया गया है उनके साथ में, तो वो सारी चीजें नाउन है. इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. इट मीन्स किसी भी पर्सन, मतलब इंसान का नाम, किसी भी चीज का नाम, किसी भी जानवर या पक्षी का नाम, या किसी भी जगह का नाम. ये सारे क्या है? नाउन है. यू विल फाइंड सो मैनी थिंग्स अराउंड योर सेल्फ. लाइक आई एम स्टैंडिंग इन द क्लास, सो क्लास इज अ नाउन. आई एम टीचिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, सो ब्लैक बोर्ड इज अ नाउन. एंड आई एम टीचिंग यू विद द हेल्प ऑफ अ बुक, सो बुक इज अ नाउन. एंड इफ आई एम यूजिंग अ चॉक फॉर टीचिंग, फॉर राइटिंग समथिंग ऑन द बोर्ड, सो चॉक इज ऑल्सो अ नाउन. सो ईच एंड एवरी थिंग अराउंड यू, वॉट एवर थिंग अराउंड यू, द लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग, एवरी थिंग इज अ नाउन. लाइक पर्सन, लाइक वी कैन से लाइक डॉक्टर, या किसी का नाम जैसे रीना, नेहा, अंकल, आंट, ब्रदर, सिस्टर, ये सारे इंसानों के नाम हैं. सो ये नाउन है. जगह का नाम, नेम ऑफ अ प्लेस, लाइक यू कैन राइट अ नेम ऑफ अ प्लेस लाइक हॉस्पिटल, गार्डन, टेम्पल, स्कूल, अमेरिका, जयपुर, लक्ष्मणगढ़. सो ये भी नाम है, क्योंकि ये जगह के नाम है, तो ये भी नाउन है. नेक्स्ट, किसी भी चीज का नाम, चाहे वो फिर चेयर हो, टेबल हो, पेन हो, पेंसिल हो, विंडो हो, डोर हो, या कोई भी चीज हो, वो नाउन है. और किसी भी द नेम ऑफ एनिमल लाइक लॉयन, टाइगर, पैरट, पीकॉक, दैट इज ऑल्सो कम अंडर द कैटेगरी ऑफ नाउन. सो ऑल दिस थिंग, द नेम्स ऑफ पर्सन, नेम्स ऑफ प्लेस, नेम्स ऑफ एनिमल एंड नेम्स ऑफ थिंग्स, ऑल दिस थिंग्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ नाउन. जो भी नाम किसी भी ऑब्जेक्ट को दिया गया है वो नाउन है. ओके, नाउ इट विल बी मोर क्लियर टू यू थ्रू सम एग्जाम्पल्स. ओके, सो द फर्स्ट एग्जाम्पल लाइक राम इज बिजी. इस सेंटेंस में नाउन कौन सा है? राम इज अ नाउन बिकॉज इट्स अ नेम गिवन टू अ पर्सन. तो यहां पर राम जो है वो क्या है? नाउन है. नेक्स्ट, ही इज गोइंग टू हॉस्पिटल. ओके, सो हियर अगेन हॉस्पिटल इज अ नेम ऑफ अ प्लेस. सो यहां पर हॉस्पिटल क्या है? नाउन है. नाउ रोजेस आर रेड. सो यहां पर देयर आर टू नाउन्स. ओके, वन इज रोजेस एंड अदर वन इज रेड. रेड इज अ नेम ऑफ अ कलर, रोज इज अ नेम ऑफ अ फ्लावर, सो इट इज ऑल्सो अ नाउन. पीकॉक इज अ ब्यूटिफुल बर्ड. तो यहां पर दो नाउन है. वन इज अ पीकॉक बिकॉज इट्स द नेम ऑफ अ बर्ड एंड बर्ड इटसेल्फ इज अ नाउन. ओके, देन अगेन गिव मी योर बुक. सो अगेन हियर इन दिस सेंटेंस बुक इज अ नाउन बिकॉज इट्स अ नेम ऑफ अ थिंग.
okay? So students, through this example, I think it may be clear to you कि what are nouns. So any name given to any person, place, animal or thing is a noun. कोई भी नाम किसी भी इंसान का नाम, किसी भी जगह का नाम, किसी भी चीज का नाम या किसी भी एनिमल या बर्ड का नाम, ये सारी चीजें आती हैं नाउन की कैटेगरी में. ओके, क्लियर? सो आई थिंक फ्रॉम दिस वीडियो इट माइट बी क्लियर टू यू दैट व्हाट इज अ नाउन. इन द कमिंग वीडियोस वी वुड लर्न मोर अबाउट नाउन. टिल देन यू रिवाइज लर्न दिस डेफिनेशन ऑफ नाउन विद एग्जांपल्स. दैट्स ऑल. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.